हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए जान लेते हैं कौन है इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन। टीवी के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। हर कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीतते हुए देखना चाहता था। हालांकि शो के विजेता पवनदीप राजन बने हैं, इस बार इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले अभी तक का सबसे बड़ा और ग्रैंड जश्न था। 12 घंटे तक चले फिनाले एपिसोड में बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत करी और भारत के कई बड़े और मशहूर सिंगर्स ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। पवनदीप राजन शुरुआत से ही इंडियन आइडल शो के जज सबसे बड़े चर्चित कंटेस्टेंट रहे। तबला गिफ्ट कर दिया था। पवनदीप राजन का जन्म 17 जुलाई 1995 को उत्तराखंड के चंपावत में हुआ था। उनकी पिता सुरेश राजन भी सिंगर हैं, जो उत्तराखंड के लोकल फंक्शन और पब्लिक इवेंट्स में गाते हैं। उनकी दो बहनें भी हैं जिन्हें आइडल 12 पर उनके साथ देखा गया था। पवनदीप राजन का एक बैंड भी एक है जिसके ये मेंबर हैं, जिसका नाम राइथ है। पवनदीप राजन की एक वेबसाइट है pavandeepraajan.com। इस पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अब तक वह करीब 13 देशों और भारत के 14 राज्यों में करीब 1200 शोज कर चुके हैं। इंडियन आइडल में पवनदीप को खूब प्यार मिला और इस शो की वजह से वह देश भर में मशहूर हो गए हैं। इसके अलावा हिमेश रेशमिया पवनदीप को अपनी नई एल्बम में बॉलीवुड से एंट्री कराने वाले हैं। शो पर अनुरिता कंजीलाल से भी उनका नाम जोड़ा गया था और हिमेश अनुरिता को पवनदीप के साथ लॉन्च करेंगे। पवनदीप राजन के शो में आशीष के साथ दोस्ती सबसे अच्छी थी। दोनों एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहे। ऐसे में शो पर दोनों की खूब मस्ती भी हुई। इतना ही नहीं, जब दोनों कोरोना वायरस से पीड़ित हुए तो दोनों को साथ में क्वारंटीन भी कर दिया गया था। तो गाइस, हम आपको और भी जानकारी के बारे में देते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।